ऑलराइट, सो सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इंडियन कंटेक्स्ट में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैन यू टेल मी एनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें सोशल इन्फ्लुएंस, जो आपकी समझ से सोशल इन्फ्लुएंस है, उसका इस्तेमाल किया गया था? आई थिंक सोशल इन्फ्लुएंस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी, बिकॉज आपको पता है सोशल मतलब मासेस, ऑलराइट, या सोसाइटी, और इन्फ्लुएंस मतलब किसी को, किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना। तो कोई ऐसा आपके दिमाग में हाल फिलहाल में कोई स्कीम ऐसा आ रहा है जिससे मास लेवल पे सोशल इन्फ्लुएंस इंडिया में किया गया था चेंज? एनीवन, कोई कोई सा भी स्कीम आपको याद आ रहा है? अरे वेरी गुड यार, एक्सेलेंट, स्वच्छ भारत मिशन, SBM, ऑलराइट, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन से इंडिया का, ऑलराइट, हाइजीन का जो हैबिट है, एट वन टाइम इंडिया हैड दी पुअरेस्ट, ऑलराइट, यस, पोलियो स्कीम आल्सो, यू कैन से कि पोलियो स्कीम वाज आल्सो वन ऑफ दी सक्सेसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। अभी मैं स्वच्छ भारत मिशन का बात करूं तो इंडिया हैड दी वन ऑफ दी पुअरेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक हाइजीन। इंडिया हैड दी पुअरेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक हाइजीन। तो 2014 में, ओके, सरकार बदली थी एंड एक एनडीए की सरकार जो आई थी, तो उनका ये फ्लैगशिप पेट प्रोजेक्ट, ऑलराइट, स्वच्छ भारत मिशन। तो इसमें इन्होंने बहुत सारा किया चीजें, जैसे डस्टबिन के लिए इन्होंने 100 करोड़, 200 करोड़ सैंक्शन किया, इन्होंने म्यूनिसिपल पार्टीज का बजट बढ़ाया। बट उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या किया, मेजर जो पैसा था वो गया सोशल इन्फ्लुएंस में, ऑलराइट, वो किस में गया, सोशल इन्फ्लुएंस में। तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, एक केस स्टडी है, ऑलराइट, इट इज ऑफ माई होम टाउन एंड दैट इज पटना। सो पटना यूज टू बी वन ऑफ द फिल्दीएस्ट प्लेस, ऑलराइट, इट यूज टू बी वन ऑफ द फिल्दीएस्ट प्लेस दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस, एंड दैट वॉज ड्यूरिंग माई यू नो चाइल्डहुड डेज। हर जगह गार्बेज, हर जगह गाय यू नो गार्बेज खा रही है, मतलब गौ माता सो कॉल्ड इतनी होली होती है, बट वहां पर दे यूज टू ईट प्लास्टिक एंड डाई, ऑलराइट, एंड यू नो स्मेल एवरीवेयर। बट आज के डेट में सिचुएशन हैज चेंज्ड, ऑलराइट, सिचुएशन हैज टुक अ 180 डिग्री टर्न, एंड ऑल दो उतना यू नो इट्स नॉट लाइक द इंदौर लेवल, बट अभी जाओगे आप तो दिन भर एक ही गाना चलते रहता है पूरे स्ट्रीट्स ऑफ पटना में, एंड दैट इज गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। ओके, एंड आई थिंक दैट इज अ थीम ऑफ एवरी टीयर टू सिटी। ओके, मैंने आगरा में भी देखा है ये चीज, राइट, आगरा में देखा मैंने, इसको वहां पर भी देखा था मैंने, आई थिंक जोधपुर में भी देखा था, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो हमेशा चलते रहता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक टाइम पे बिफोर 2014, मतलब इंडिया वॉज वेरी अनपॉपुलर एज अ प्लेस विद द फिल्दीएस्ट पब्लिक हाइजीन, एंड दैट हैड नथिंग टू डू विथ आर पर कैपिटा इनकम, दैट हैड नथिंग टू डू विथ आर पर कैपिटा इनकम और आर जीडीपी, बिकॉज कंट्रीज विथ लेस जीडीपी देन अस, कंट्रीज विथ लेस पर कैपिटा इनकम देन अस, वेयर क्लीनर, ओके, दे वेयर क्लीनर देन अस। उसके पीछे का रीजन, ऑल राइट, जो मानसिकता थी जिसको हम बोलते हैं मेंटेलिटी, ऑल राइट, उसको चेंज करना था। और एक पैराडॉक्स है इंडियन सोसाइटी का, पता है क्या पैराडॉक्स है? बहुत बड़ा पैराडॉक्स है हाइजीन को लेके। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्वच्छ भारत मिशन, दैट पैराडॉक्स इज इंडियंस हैव दी हाईएस्ट, ऑल राइट, इंडियंस हैव वन ऑफ दी हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन। आप देखोगे किसी के घर जाओगे तो बोलेगा कि भाई जूते बाहर उतार दो। ओके, किसी आप दोस्त के घर जाते होगे बचपन में या अभी भी जाते हो, तो दे यूज टू से कि भाई जूते बाहर उतार देना, ऑल राइट, एंड या ऐसे बोलेगा कि आप मतलब इसमें आप हाथ धो के खाओ। ओके, और आप उनके घर जाओगे तो वहां पर यू नो बस 4 बार पोछा लग रहा है और उनकी मेड 2 बार पोछा लगा रही है, 2 बार झाड़ू लगा रही है दिन में। तो वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। ओके, नहाना जो है, ऑलराइट, नहाने का कल्चर है हमारे उसमें, दैट स्नान करना चाहिए। ओके, सुबह उठते ही स्नान करना चाहिए। आपने अपने दादी को देखा होगा 4 बजे सुबह उठ के नहा रही हैं, क्यों कर रही हैं, ऑलराइट, वी बिकॉज वी हैड वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। लेकिन वी हैड वन ऑफ दी ओके वी हैव वन ऑफ दी लोएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक हाइजीन, एंड दिस वॉज द पैराडॉक्स, कि घर हमने सबसे साफ रखा, सारे कल्चर्स के मुकाबले हमारा घर सबसे साफ है, ओके, लेकिन पर्सनल हाइजीन अच्छा है हमारा, लेकिन पब्लिक हाइजीन इज दी वर्स्ट।
हमारा कंट्री में फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्री की स्ट्रीट्स पर फेंक दो, घर साफ रहना चाहिए। तो दिस वॉज द इशू, बट आज के डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत चेंज हो गया है। ओके, बहुत चेंज हो गया है ये इशू, एंड दैट हैज बीन ड्यू टू द सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, जो आज का टॉपिक है। ओके, सो सोशल इन्फ्लुएंस इज द प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन्स बिहेवियर, एटीट्यूड, व्यूज और थॉट्स गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कम्युनिकेशन। अब सोशल कम्युनिकेशन कैसे होता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन? रेडियो, ओके, टेलीविजन, पेपर, न्यूज़पेपर, ओके, मे बी सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। अक्षय कुमार है ना, वो पैडमैन वाला, ये हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, तो उस टाइप के सेलिब्रिटीज का भी इस्तेमाल किया गया। अमिताभ बच्चन लेंट हिज वॉइस टू द स्वच्छ भारत मिशन, है ना। तो उससे क्या हुआ, लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर, व्यूज, थॉट्स, ये चेंज हुए टूवर्ड्स व्हाट? पब्लिक हाइजीन। क्योंकि मैं ये जो टॉपिक है इसमें स्वच्छ भारत मिशन एज अ एंकर, एज एन एंकर टॉपिक या एज एन एंकर एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। तो हमारे चेंज क्या क्या हुए, व्यूज चेंज हुए टूवर्ड्स पब्लिक हाइजीन, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा थॉट्स। उसी तरीके से अगर समुद्रगुप्त भाई का एग्जाम्पल ले लो, पोलियो का, पोलियो का आप एग्जाम्पल ले लो, तो पोलियो में क्या था, पोलियो में पहले एक हेजिटेशन थी। ओके, हेजिटेशन क्या थी, दैट पोलियो का ड्रॉप्स अगर हम पिला देंगे तो स्टेराइल हो जाता है, नपुंसक हो जाता है बंदा। अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो क्यों है, वाई वाई इज देयर पोलियोज, ओके, एंड पोलियो वर्कर्स दे आर शॉट एट इन तालिबान हेल्ड एरियाज। पहले क्या था कि खाइबर पख्तूनवा जो उनका एरिया है, वहां पर पोलियो का जो लेडीज जाती थी पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए, उनके साथ पूरा आर्म्ड सिक्योरिटी डिटेल जाता था। व्हाट वाज द रीजन, ओके, व्हाट वाज दैट, डोंट वरी अबाउट इट, ओके, डोंट वरी, इट्स सेफ। तो व्हाट वाज द रीजन, ओके, व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज पीपल बिलीव कि वो जो पोलियो का ड्रॉप्स है वो स्टेराइल बना देगा। ओके, वो क्या बना देगा, स्टेराइल बना देगा। तो ये जो है सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू ही चेंज हुआ। ओके, सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू ही चेंज हुआ दैट पोलियो के ड्रॉप से बंदा स्टेराइल नहीं बनता है। ओके, यस। दूसरी चीज एक और था एड्स का। एड्स पहले था कि एड्स छुआ छूत से फैलती है, मतलब छूने से एड्स फैल जाता है, यू टच द पर्सन एंड यू विल गेट एड्स। उसके बाद प्रिंसेस डायना, उन्होंने अपना ग्लव्स उतारा। प्रिंसेस डायना वाज अ बिग सेलिब्रिटी, शी वाज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर इन द 80s एंड द 90s। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इन द लेट 1980s शी मेट एन एड्स पेशेंट, शी मेट एन एड्स पेशेंट, शी रिमूव्ड हर ग्लव्स। वो जो पहनती है ना रॉयल्टी वाला जो उनका अटायर होता था, उसमें ग्लव्स भी पहनती थी। शी रिमूव्ड हर ग्लव्स एंड शी शुक द हैंड्स ऑफ एन एड्स पेशेंट। सो सिंस शी वॉज अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, यहाँ क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस, एंड लेडी डायना वॉज एन इन्फ्लुएंसर, तो उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से पीपल गॉट टू नो, ओके, दिस लेडी हु वी फॉलो, हुज डेली लाइफ वी फॉलो ऑन द टेलीविजन और द मैगजीन्स, ओके, शी इज टचिंग द हैंड्स ऑफ एन एड्स पेशेंट, सो इट इज सेफ। ओके, सो वो क्या है, ये सेफ है। ठीक है, तो ये चीज आपको एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो, एड्स के तरफ परसेप्शन चेंज हो गया ऑफ द पीपल आफ्टर दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ लेडी डायना शेकिंग द हैंड्स ऑफ एन एड्स पेशेंट विदाउट एनी कवर। ओके, ये एग्जाम्पल हो सकता है। पोलियो बोल सकते हो कि बहुत इन्फ्लुएंस करने के बाद पेरेंट्स तैयार हुए। ओके, बहुत इन्फ्लुएंस करने के बाद पेरेंट्स तैयार हुए पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए। उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा होता था, राइट, पोलियो ड्रॉप्स का, एंड वो बचपन में पता नहीं चलता था, तो मतलब एडिक्टिंग टाइप का होता था। सो द पोलियो वर्कर यूज टू कम एट माई होम, पूछती थी कि आप 5 साल से नीचे के कोई बच्चा है, मैं पोलियो के ड्रॉप पिलाने आया, तो मैं 9 साल का था, मैं बोला हाँ मैं हूँ ना, 4 साल का है, अपना जीभ आगे कर लेता था। वो भी हरकतें हमने की है, बट द मेन पॉइंट इज, ओके, द मेन पॉइंट इज कि सोशल इन्फ्लुएंस एक्चुअली में सोसाइटी का बिहेवियर, ओके, सोसाइटी का बिहेवियर चेंज कर देता है टुवर्ड्स वेरी क्रिटिकल इश्यूज, वेरी
क्रिटिकल इश्यूज। उसके बाद व्हाट इज पर्सुएशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, पर्सुएशन क्या होता है। अब यहाँ देखो, तो पर्सुएशन इज सिनोनिमस विद सोशल इन्फ्लुएंस, एक मेथड है, अ टाइप ऑफ मेथड, बट ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है। आपको मैं परसुएड करूं, सपोज मैं अभी भाई को परसुएड कर लूं कि आप PSIR के नोट्स बना के दे दो, ठीक है। मान लो अभी भाई से मैंने बोला कि आप PSIR के नोट्स बना सकते हो, तो उन्होंने बोला नहीं मैं थोड़ा बिजी हूं, तो मैं उसको परसुएड कर रहा हूं, तो मैं अभी को इंडिविजुअल लेवल पे परसुएड कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि सभी को, आप जितने भी 15 लोग हैं यहाँ पर, आप सभी को ये नोट्स बनाने PSIR के, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सोशल लेवल पे परसुएड कर रहा हूँ, तो दैट विल बी सोशल इन्फ्लुएंस। लेकिन मैं सिर्फ एक एक स्टूडेंट को या एक बंदे को मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, तो दैट विल बिकम परसुएशन। ये समझ आया आपको? दिस इज एट मास लेवल सोशल इन्फ्लुएंस एंड दिस परसुएशन इज एट इंडिविजुअल लेवल। दोनों है सेम चीज, दोनों में क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ हैबिट्स। मॉडिफाई क्या हो रहा है, आपका हैबिट्स हो रहा है, आपका डेली लाइफ रूटीन हो रहा है, आपके व्यूज, थॉट्स, यू नो, एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज। बट सोशल इन्फ्लुएंस में मास लेवल पे काम चल रहा है, वेयर एज पर्सुएशन पे इंडिविजुअल लेवल पे एक बंदे का आप माइंडसेट चेंज कर दो। सोशल इन्फ्लुएंस वर्क्स एट ग्रुप और कम्युनिटी लेवल, इन्फ्लुएंसिंग वंस व्यू और बिलीव्स और एटीट्यूड। तो ये क्या है, ग्रुप या कम्युनिटी लेवल पे काम करता है सोशल इन्फ्लुएंस, ओके। वेयर एज पर्सुएशन वर्क्स एट इंडिविजुअल लेवल टू चेंज एन इंडिविजुअल्स बिलीफ इन समथिंग। इंडिविजुअल, ओके, इंडिविजुअल के बिलीफ को आप चेंज कर रहे हो। तो जैसे सपोज अगर मान लो कि मासेस में जा रहे हो, मास होता है ना, क्रिश्चियन मासेस होता है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, और फिर दे आर डिलीवर्ड कि आप यू नो यू फॉलो द वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब यहाँ दूसरा है, सपोज आपने किसी एक आदमी को बोला कि बैठो, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट यू नो द बाइबल, द होली बाइबल एंड जीसस क्राइस्ट। तो आप सिर्फ उस इंडिविजुअल से बात करके उसको यू नो इफ यू आर वांटिंग टू यू नो टॉक अबाउट योर रिलीजन, ठीक है, मान लो कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, और इवन हिंदुइज्म, तो यू आर परसुएडिंग एन इंडिविजुअल। आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, अगर उसके साथ बैठ के बात कर रहे हो, सो यू आर ट्राइंग टू चेंज दैट इंडिविजुअल्स कोर बिलीफ। एंड आई हैव टुक द एग्जांपल ऑफ रिलीजन बिकॉज रिलीजन फॉल्स इन वन ऑफ द कोर बिलीफ्स। कोई इंडिविजुअल माने ना माने, दूसरी चीज है, वो रिलीजन में जरूर मानेगा इन ऑन अ जनरल लेवल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथिस्ट और एग्नोस्टिक्स, बट ऑन अ जनरल लेवल एवरी वन हैज अ कोर बिलीफ रिलेटेड टू हिज और हर रिलीजन, ठीक है। सो अगर मान लो रिलीजन का हम एग्जाम्पल लें, तो मासेस होता है ना, यू नो यू हैव सीन क्रिश्चियन मासेस, ओके, यू हैव सीन, ओके, वो सत्संग टाइप का होता है इन हिंदुइज्म, ओके। तो उसमें क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस चल रहा है वहां पर। वहां पर क्या चल रहा है, सोशल इन्फ्लुएंस चल रहा है। आप मासेस को बता रहे हो, ठीक है, दिस इज द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट या दिस इज वर्ड ऑफ श्री कृष्ण, ये गीता में ऐसा लिखा हुआ है। बट अगर आप एक आदमी को फेस टू फेस बता रहे हो कि ओके, यू यू शुड कन्वर्ट टू माय रिलीजन एंड दैट यू शुड चेंज योर करेंटली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ, यू शुड चेंज द करेंटली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ, और आप उसको चेंज कर दो, और फेस टू फेस आप बात कर रहे हो, तो दैट फॉल इन द पर्सुएशन कैटेगरी। आई थिंक एवरी वन इज क्लियर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन। अब आगे चलते, सोशल इन्फ्लुएंस हेल्प्स इन ओपिनियन फॉर्मेशन, इंप्रेशन फॉर्मेशन, एंड विच इन टर्न गाइड्स अस टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ओके। यहाँ पर क्या है, दैट सोशल इन्फ्लुएंस, वॉट इज द पर्पज, इट इज टू फॉर्म योर ओपिनियन एंड इट इज टू फॉर्म एन इम्प्रेशन। स्वच्छ भारत मिशन, ओपन डेफिकेशन इज अ बैड थिंग, ODF इज अ बैड थिंग। सो वहां पर क्या किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन में सबसे पहले पंचायत में सरपंच को, द सरपंच वॉज टारगेटेड, भाई सरपंच खुद जाके ओपन डेफिकेशन कर रहा है, तो वो बाकी को क्या सिखाएगा। तो सरपंच सबसे पहले क्या किया गया कि सरपंच के घर पे ही टॉयलेट बनाया गया। सरपंच जी, आपके घर पर टॉयलेट बना, तो सरपंच इज द लीडर ऑफ द पंचायत, सरपंच इज द लीडर ऑफ द पंचायत। तो देखा कि यार सरपंच जी के तो घर पे बन रहा है, और दे आर गिविंग 50,000 रुपीज टू बिल्ड द टॉयलेट, लेट मी ऑल्सो टेक। तो एवरी वन गॉट इन्फ्लुएंस बाई सरपंच जी, ठीक है, ऑल राइट। सो हेयर इज द थिंग,
जैसे सपोज आप किसी एक बंदे को पकड़ो, ऑलराइट, एक बंदे को पकड़ो और उसके बाद उसके बाकी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो टॉप पे बैठा हुआ बंदा। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हिस्ट्री में अगर आप देखो तो एक याद है फादर मोन्सेराट एंड फादर एक्वा विवा, वी स्टडीड ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। फादर मोन्सेराट एंड एक्वा विवा, एनीवन रिमेम्बर्स? हमने याद किया, अगर याद होगा तो आपको, अकबर के समय आया था पोर्चुगीज कॉलोनी से, ऑफ गोवा से। फादर मोन्सेराट थे। व्हाट वाज द रीजन दैट द पोर्चुगीज एक्सेप्टेड अकबर्स रिक्वेस्ट? व्हाट वाज द रीजन अकबर का रिक्वेस्ट मान लिया गया था टू सेंड दोस दीज टू फादर्स इन्फ्लुएंस करने के लिए? क्यों इन्फ्लुएंस करने के लिए? टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। तो वो अकबर को क्यों टारगेट कर रहे थे? बिकॉज दे न्यू कि एक बार अकबर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर अकबर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके साथ उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उसका कोर्ट है, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज दे फॉलो द पर्सन। ओके, इसीलिए आप देखोगे तो लीडर को टारगेट किया जाता था पहले के समय में, लीडर्स को टारगेट किया जाता था। ओके, सोशल इन्फ्लुएंस दो टाइप का होता है, वन इज सोशल फैसिलिटेशन, ओके, सोशल फैसिलिटेशन, एंड द अदर इज सोशल लोपिंग। दोनों को हम देखते हैं क्या होता है। सो नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल कैन बी डिफाइंड बाय टू पर्सपेक्टिव, वन इज योर सोशल फैसिलिटेशन एंड द सेकेंड इज सोशल लोपिंग। सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है? बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ओके, बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्शन और टास्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मियर प्रेजेंस ऑफ अदर्स। आपका जो टास्क आप कर रहे हो, कोई भी अगर कोई बंदा आ जाए, ऑल राइट, तो आपका टास्क आइदर मॉडिफाई हो जाता है फॉर द बेटर और फॉर द वर्स, ऑल राइट, फॉर द बेटर और फॉर द वर्स। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, अगर फॉर द वर्स का, तो सपोज आपके फादर, ऑल राइट, आपके फादर जो है ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन यू, एंड यू आर अ सपोज अ बैडमिंटन प्लेयर और अ टेबल टेनिस प्लेयर, एंड योर फादर कम्स, ऑल राइट, एंड यू यू वॉन्ट टू मेक हिम हैप्पी कि नहीं यार, इनको दिखाना है कि मैं अच्छा खेल सकता हूँ बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। एंड वेन योर फादर कम्स टू द स्टेडियम, आपने फादर को देखा एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग, ऑल राइट, एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग कि यार ये तो मेरे फादर है, मेरे पे एंजाइटी बढ़ गई है, तो आपका परफॉर्मेंस क्या हुआ? डाउन चला गया। योर बाय द मियर प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन दैट इज योर डैड, जिनका बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन है। ओके, और ये भी हो सकता है कि बिहेवियर मॉडिफाई फॉर द बेटर भी हो जाए, ऑल राइट। एक बहुत एक फनी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इन द कॉलेज हम जिम जाते थे सारे, मतलब लड़के कॉलेज में जिम जाते थे, तो एक लड़का था, वो बोला कि मैं भी जिम जाऊंगा। तो फर्स्ट डे उसका जिम का था, एंड वी सेड कि आज तू, मतलब डोंट डू एनीथिंग, डोंट पिक अप द वेट्स, बस आज तू दिखा कि हाउ मेनी पुशअप्स यू कैन डू, एंड यू नो वी विल इवेल्युएट यू, एंड देन हम बात कर सकते हैं कि तुम्हारा क्या, मतलब व्हाट इज योर लेवल। तो आई थिंक देर टू थ्री गर्ल्स देयर, ऑल राइट, एंड देर डूइंग देयर वर्कआउट। तो मैंने बोला कि आप तू वहीं पर अपना मैट बिछा के पुशअप्स मार। सो दैट डे दैट गाई इन द फर्स्ट ट्राई डिड 75 पुशअप्स। ओके, फर्स्ट ट्राई में 75, वी वर थरली इम्प्रेस्ड दैट दिस गाई इज एबल टू डू 75 पुशअप्स। नेक्स्ट डे आया तो मैंने बोला कि फिर पुशअप्स मार ले और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो उससे 20 भी नहीं हो रहे थे। ओके, तो देन आई आस्क्ड हुआ क्या, तो बोला यार वो कल तीन लड़कियां थी तो उन्हीं को देख के 75 निकल गया था। तो बाय द मियर प्रेजेंस ऑफ दोज थ्री गर्ल्स, वो बंदे ने अपना परफॉर्मेंस 3 टाइम्स बढ़ा लिया था। ओके, वो बाय द मियर प्रेजेंस, मतलब देख के ही उनको कि अच्छा दे आर वॉचिंग मी, लेट मी डू 75 पुशअप्स। ओके, और नेक्स्ट डे उससे भाई 20 भी नहीं हो रहे थे, उसको पुश करने के बाद, उसको लात मारने के बाद भी 20, उसी वी वर एबल टू ओनली एक्सट्रैक्ट 20 पुशअप्स। सो ये होता है फॉर द पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव का भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ओके, हाँ, रैट की तरह आप बोल सकते हो, रैट नहीं, फेरिस व्हील पे नहीं बैठता, एक टाइप ऐसे टाइप का व्हील होता है और उस पर चलते रहता है रैट, हैमस्टर, हैमस्टर नॉट रैट, और यहाँ पर एक चीज लटका रहता है ना। सो वो रैट उतना नहीं चल सकता, अगर चीज नहीं लटकाओगे तो रैट उतना नहीं चल सकता। वैसे ही डोंकी का सुना है ना, एक डोंकी है सपोज, उसके यहाँ पर ऐसे स्टिक पे कैरेट लगा दो तो वो डोंकी चलते रहेगा, उसको लगेगा कि मैं बस कैरेट के पास पहुंचने वाला हूँ। तो ये बेसिकली सोशल फैसिलिटेशन हो गया, बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी मॉडिफाई करेंगे, लेकिन बेसिकली पर्सन, ओके, पर्सन्स का होता है।
नॉर्मन ट्रिपलेट, ओके दिस इज इम्पोर्टेंट, नॉर्मन ट्रिपलेट ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल शो बेटर परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स, ओके देन व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क अलोन. जो नॉर्मन ट्रिपलेट था, ऑल राइट, नॉर्मन ट्रिपलेट था, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, ओके ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही ऑब्जर्व कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे शो बेटर परफॉर्मेंस व्हेन दे आर इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स. ओके जब आप दूसरे के प्रेजेंस में हो तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है रादर देन डूइंग अलोन, एंड दैट इज ट्रू, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड आई कैन कंफर्म दैट व्हेन आई एम डूइंग यू नो जिम. ओके जिम जब मैं करता हूँ अकेले करता हूँ तो आई कैन नॉट पुश पुश माई सेल्फ, लेकिन मे बी दो तीन लोग अगर होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सो दे पुश ईच अदर एंड उनको दिखाना भी होता है कि नहीं यार इतना मैंने अगर बोला है तो मैं इतना कर सकता हूँ. ओके ये कर सकते हो. ओके रीजन बिहाइंड सच बिहेवियर, ओके रीजन बिहाइंड सच बिहेवियर अराउजल. इन सोशल सेटिंग पर्सन एक्सपीरियंस अराउजल विच मेक्स अ पर्सन रिएक्ट इन अ मोर इंटेंस मैनर. ओके दिस अराउजल इज ड्यू टू द फीलिंग ऑफ बीइंग इवेलुएटेड. तो आपको कॉन्स्टेंटली लगता है, ऑल राइट आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कि यू नो समवन इज वॉचिंग ओवर मी, ये जो फीलिंग है समवन इज वॉचिंग, ये आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए, ओके बेटर परफॉर्म करने के लिए बाध्य कर देती है. यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मैं दे सकता हूँ आपको फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, ओके एडमिनिस्ट्रेशन, तो सपोज जिस दिन डीएम साहब का दौरा होता है ना वो न्यूज में देखते हो ना, डीएम साहब ने आज अस्पताल का दौरा किया, डीएम साहब ने आज स्कूल का दौरा किया, तो उस दिन स्कूल बड़ा अच्छा लगता है, स्कूल की बिल्डिंग्स का पुताई हो जाती है, राइट उस पर पेंट लग जाता है, हॉस्पिटल में हर चीज अच्छा हो जाता है, डॉक्टर टाइम पे आने लगते हैं जब पता चलता है कि डीएम इज कमिंग टू यू नो चेक, राइट. तो यू नो अगर जब लगता है, पता है आपको दैट यू आर बीइंग इवैल्यूएटेड, यू आर बीइंग इवैल्यूएटेड, तो आप बेटर परफॉर्म करते हो, यू गेट एन अराउजल, ओके एंड यू ठीक है. यस इट इज बेसिकली लुकिंग फॉर सोशल वैलिडेशन इन अ वे, नॉट एग्जैक्टली वैलिडेशन एक पार्ट है, वैलिडेशन क्या है एक पार्ट है दोस्त, ठीक है. हाँ कॉलेज व्हेन द नैक टीम कम्स तो ये एक एग्जांपल हो सकता है. ऑल राइट अ वैलिडेशन इज वन वन पार्ट, लेकिन इसमें फियर भी होता है. ऑल राइट अब है कि वो सस्पेंड हो जाएगा बंदा अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया तो वो सस्पेंड हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो वन पार्ट, तो वैलिडेशन प्लस फियर होता है, ठीक है. तो कॉन्स्टेंट चेकिंग, ओके कॉन्स्टेंट चेकिंग आपको करना होता है एज अ सुपीरियर, वॉट एज अ सुपीरियर आपको कॉन्स्टेंट चेकिंग करना होता है, ठीक है, ताकि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस चेक इन इज केप्ट इन चेक. ओके अब देखो नेचर ऑफ टास्क, नेचर ऑफ टास्क पे भी डिपेंड करता है. द नेचर ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड ऑल्सो इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स. पर्सन कैन परफॉर्म वेल अ सिंपल और फेमिलियर टास्क विच ही डज सो विद ग्रेट ईगरनेस टू गेट प्रेज और रिवॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर. ओके लेकिन उल्टा होता है इसमें, एक और चीज है ये आपने समझ गए, एक और चीज होता है कि पर्सन है एंड ही इज नॉट फेमिलियर विद द टास्क इन द प्रेजेंस ऑफ अदर तो वो नहीं करेगा. ऑल राइट ओके सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, अगर ऐसा इशू आ रहा है आपको यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग. सपोज एक पर्सन एंड यू नो उसको आपने बोला कि समर सॉल्ट करके दिखाओ, ओके ही इज अ वेरी एथलेटिक गाई एंड आपने उसको बोला समर सॉल्ट करके दिखाओ, 10 लोग आपके दोस्त का ग्रुप है एंड इन कॉलेज देयर वाज दिस गाई वाज वेरी एथलेटिक, देयर यूज्ड टू बी दिस गाई वाज वेरी एथलेटिक, उसको बोला कि समर सॉल्ट करके दिखाओ, स्टैंडिंग समर सॉल्ट, ओके जैसे खड़े होके एंड वो पूरा ऐसे करके वो एक जगह पे लैंड हो जाता है, तो वो करेगा क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मुझे आता है, ही हैज कॉन्फिडेंस इन हिज अबिलिटीज, उसको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ और जब मैं करूंगा तो पीपल विल क्लैप, पीपल विल से कि सही है सही है सही है, ऐसे कर सकते हैं. बट सपोज किसी बंदा जो जो बंदा एथलेटिक नहीं है, सपोज समवन इज ओवरवेट और उसको बोले कि भाई उसने कभी समर सॉल्ट किया नहीं है, उसको बोला कि तुम समर सॉल्ट करके दिखाओ, सो वो बोलेगा नहीं 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 यार मैं नहीं कर सकता या ये मैं नहीं करूंगा, कुछ बहाना बना देगा. वाई बिकॉज ही इज नॉट ट्रस्टिंग हिज अबिलिटीज, उसको पता है कि मेरी अबिलिटी नहीं है एंड आई कैन गेट क्रिटिसिज्म, आई कैन गेट वॉट क्रिटिसिज्म. तो जो टास्क नेचर ऑफ टास्क की अगर मैं बात करूं, जो टास्क इजी होते हैं उनको लोग ज्यादा अच्छे से करते हैं, उसको ज्यादा ईगरली करते हैं,
और जो टास्क हार्ड होते हैं उसको दे अवॉइड व्हेन इन सोशल सेटिंग। अब वो बंदा जो समर सॉल्ट नहीं कर सकता है, वो जाके रात को 10 बजे पार्क में जाके कर सकता है जब कोई उसको नहीं देख रहा है, क्योंकि वहां पर वो गिरेगा, वहां पर अगर अपना अपना फूल बनाएगा तो कोई देख नहीं रहा है एंड ही कैन लर्न। ओके, लेकिन अगर सबके सामने करेगा तो ही विल अवॉइड द हार्ड टास्क। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। ओके, बेसिक ह्यूमन नेचर है। नोबडी लाइक्स टू गेट क्रिटिसाइज्ड एंड लाफ्ड अपॉन। नोबडी लाइक्स क्रिटिसिज्म एंड नोबडी लाइक्स गेटिंग लाफ्ड अपॉन इन सोशल सेटिंग, बिकॉज एवरीवन हैज व्हाट, एवरीवन हैज अ वेरी स्ट्रांग ईगो। सभी के पास ईगो है, एंड ईगो मैंने बताया था इट डजंट नेसेसरीली मीन अ बैड थिंग। ईगो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिजर्व करती है। ओके, लास्ट क्लास में हमने बात की थी दैट ईगो प्रिजर्व्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, देन कम्स योर को एक्शन। इफ अदर पीपल प्रेजेंट इन अ सिचुएशन आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द सेम टास्क, दिस इज कॉल्ड अ सिचुएशन ऑफ को एक्शन। इन दिस सिचुएशन देर इज सोशल कंपेरिजन एंड कॉम्पिटिशन। को एक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। ओके, को एक्शन का अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना है तो सपोज एक्सीडेंट हो गया, तो फॉर 4-5 मिनट्स कोई कुछ नहीं करता है। मान लो कि वो बंदा अपनी स्कूटी से गिर गया, या किसी पेडेस्ट्रियन को गाड़ी वाले ने मार दिया, तो जनरली क्या होता है 2-3 मिनट के लिए कोई कुछ नहीं करता है। फिर एक बंदा आगे आता है एंड ही स्टार्ट्स पुलिंग द पीपल आउट, या ही स्टार्ट्स गिविंग वाटर टू द पर्सन, एंड देन उसको देख के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, और फिर वो मदद करने लगते हैं। सो दिस इज कॉल्ड को एक्शन, कि एक बंदे के प्रेशर में, एक बंदे के प्रेशर में आप लोग बाकी लोग भी आके काम करने लगते हैं। सपोज मेट्रो में, मेट्रो में क्या होगा कि सपोज दोनों तरफ अगर आप जाओगे तो सीट है फुल है। ठीक है, सीट इज फुल, सभी लोग बैठे हुए, एक बूढ़े अंकल है तो कोई सीट नहीं दे रहा है उन उन बूढ़े अंकल को, या प्रेग्नेंट लेडी है उसको कोई सीट नहीं दे रहा है। सो अचानक से एक लड़का खड़ा हुआ एंड ही सेड अंकल आप बैठ जाओ, तो उसका देखा देखी 3-4 लोग और खड़े होके अंकल अंकल इधर आ जाओ, अंकल इधर आ जाओ। ओके, बिकॉज दिस इज को एक्शन एंड दिस पुट्स प्रेशर, दिस पुट्स व्हाट, प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल। ये क्या करता है, इंडिविजुअल पे प्रेशर डालता है। ठीक है, सो फॉर ये प्रेशर किस टाइप का डालता है, टू कमिट सम एक्शन। कंपैरिजन हो रहा है, सोशल कंपैरिजन हो रहा है कि आप, वो बंदा खड़ा हो गया, उसका स्टेटस बढ़ गया, उसने अंकल को या प्रेग्नेंट लेडी को, बूढ़े अंकल को या प्रेग्नेंट लेडी को सीट दे दी। ओके, सीट दे दी तो वो, उसका सोशल स्टेटस थोड़ा बढ़ गया एंड दिस इज द मेंटेलिटी, तो फिर बाकी लोग भी खड़े होके सीट देने लगे कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। ओके, सो इन दिस सिचुएशन देयर इज सोशल कंपैरिजन। आई टोल्ड यू व्हाट इज सोशल कंपैरिजन, एंड देन कंपटीशन इज एज वेल। उस वो बंदे को कैसे लोग अच्छा, मतलब ही अगर जो सपोज वो बंदा खड़ा हो गया तो ही गॉट अ सुपीरियर मोरल स्टैंडिंग अचानक से, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं तो उनको लोग जज करने लगे कि भाई ये तो यंग है आदमी, इसने ये खड़ा हो गया, लेकिन बाकी के यंग आदमी क्यों बैठे हुए। तो फिर क्या है, वो अपने आप शर्म के मारे खड़े हो जाने लगते हैं। ऐसा मैंने देखा है, एक सीट किसी बंदे ने दिया, किसी बूढ़े अंकल को, नोबडी वॉज ऑफरिंग हिम, तो इतना शेम के मारे सभी लोग खड़े हो गए। ओके, एंड देन जो बाद में आ रहे थे उनको सीट देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। सो ये होता है बिकॉज देर इज कॉम्पिटिशन, द पर्सन हु स्टूड अप फर्स्ट ही गॉट अ सुपीरियर मॉरल स्टैंडिंग, ही गॉट अ सुपीरियर मॉरल स्टैंडिंग। अगर आप आर्मी में देख लो, आर्मी में सपोज देर इज अ टास्क, सामने दुश्मन का बंकर है, और एवरी वन इज पिन डाउन एंड दैट बंकर इज स्प्यूइंग ऑटोमेटिक मशीन गन ऑन द पोजिशन एंड एवरी वन इज पिन डाउन, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसमें से कोई एक ब्रेवरी दिखाता है एंड ही गोज एंड किल्स दैट पर्सन। ओके, ही गोज एंड किल्स दैट पर्सन, तो बाकी के जो सोल्जर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, वो चार्ज्ड अप हो जाते हैं, बिकॉज देर इज कॉम्पिटिशन एंड देर इज कंपेरिजन कि यार मेरा, मेरे साथ का सिपाही या मेरे साथ का जो सोल्जर है, मेरा साथ का कलीग, वो इतना ब्रेवरी दिखा रहा है तो आई शुड ऑल्सो गो। ओके, फिर कोई अपने जान की परवाह नहीं करता। आपने सुना होगा कारगिल वॉर में बहुत ऐसा हुआ था, दैट ऑल इट टुक टू कैप्चर वन पॉइंट वॉज द ब्रेवरी ऑफ अ सिंगल पर्सन, और पूरी बटालियन चार्ज्ड अप होके और उसने आगे आगे बढ़ गई थी। तो दिस इज द कोएक्शन। अब हम आ जाते हैं सेकेंड जो पॉइंट था। देखो, दो पॉइंट मैंने बताया था आपको, वन इज सोशल फैसिलिटेशन एंड द सेकेंड इज सोशल लोफिंग। तो सोशल फैसिलिटेशन कर लिया हमने, उसके रीजन क्या क्या थे हमने देख लिया, अराउजल था, नेचर ऑफ टास्क,
ये भी हमने डिस्कस कर लिया, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड देन फाइनल इट वाज को एक्शन। ठीक है, तो सोशल लूपिंग देखते हैं। दिस रिफर्स टू एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी अलोंग विद अदर्स एज पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। कोई भी एक्टिविटी, ओके, कोई भी एक्टिविटी आप देख लो जहां पर इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी नॉट एज हिमसेल्फ और हर सेल्फ बट एज पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। ओके, तो वो हो गया आपका सोशल लूपिंग। टास्क परफॉर्मिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड और वर्सेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया कैसे हो सकता है। वाई सच बिहेवियर, सोशल लूपिंग के पीछे का रीजन क्या है? वॉट इज द रीजन बिहाइंड सच बिहेवियर ऑफ सोशल लूपिंग? एफर्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप आर पूल्ड सो दैट वन लुक्स एट द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल। बचपन में होता था ना कि कोई कॉलेज का या स्कूल का एक्टिविटी है, इज देर इज एनी एक्टिविटी ऑफ स्कूल और कॉलेज, एंड आपने ग्रुप में बहुत यू नो एक देर इज अ टास्क एंड यू हैव अ ग्रुप, तो उसमें दो तीन बंदे बिल्कुल काम नहीं करते थे, लेकिन जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस ग्रुप का, एंड सपोज द ग्रुप हैज वन समथिंग, तो लेने के लिए सबसे आगे आ जाते थे। वाई वाई व्हाट वाज द रीजन? बाकी कुछ लड़कियां होती थी दो तीन जो बैठ के सिर्फ चार्ट पेपर बना रही हैं एंड रात रात भर काम कर रही हैं, एंड कुछ लड़के होते थे ओके जो मतलब इधर उधर घूम रहे हैं एंड दे से कि हाँ हाँ सही काम कर रही है चल, और फिर एंड दे यूज टू गो एंड प्ले इन द ग्राउंड, ऐसा बहुत होता था। मतलब दैट्स अ वेरी स्टीरियोटिपिकल, राइट, दैट्स अ वेरी स्टीरियोटिपिकल थिंग, बट ऐसा होता था। बट लेकिन जब प्राइज जीत जाते थे तो वो लड़कियां पीछे खड़ी होती थी और लड़के जो गेम खेल रहे थे हर हर दिन, रादर देन यू नो कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप, वो जाके प्राइज ले लेते थे। तो दैट्स वाई पीपल प्रेफर, ऑल राइट, दैट्स वाई पीपल प्रेफर दिस यू नो दिस दिस थिंग, कि बिकॉज यू यू आर नॉट जज कि भाई इस बंदे ने क्या किया है, इसने कितने चार्ट पेपर्स बनाए हैं और इसने कितने एंकरिंग की है या इसने कितना यू नो पोएम बोला है, वो देखते थे कि ग्रुप क्या कर रहा है। ठीक है, एवरी वन इन द ग्रुप विल गेट अ ट्रॉफी, फिर वो बंदा घर जाता था बोलता था देखो मम्मी एज अ ट्रॉफी है, तुम्हारा बेटा ना बहुत टैलेंटेड है। ओके, सो यहाँ पर इंडिविजुअल क्या है, प्रेफर करते हैं, सर्टेन इंडिविजुअल प्रेफर ग्रुप एक्टिविटी, सर्टेन इंडिविजुअल प्रेफर सोशल लूपिंग। ओके, बिकॉज उनका जो जजमेंट होता है वो ग्रुप के बेसिस पे होता है। अगर मान लो कि गाली खाएगा कोई तो ग्रुप खाएगा, ओके, या ग्रुप का लीडर खाएगा, वो बंदे बच जाएंगे। ऑल राइट, इट हैज बीन फाउंड दैट इंडिविजुअल वर्क लेस हार्ड वेन परफॉर्मिंग अ टास्क इन अ ग्रुप देन अलोन। इसके पीछे का रीजन क्या है? इंसेंटिव, इंसेंटिव की बात। इंसेंटिव जब अलोन है तो सपोज कोई कंपटीशन है जहां पर सब लोग अलग अलग पार्ट ले रहे हैं, मतलब एवरी इंडिविजुअल इज टेकिंग पार्ट एज हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा उस कंपटीशन में रादर देन इन अ ग्रुप। ओके, क्योंकि ग्रुप में यू नो वो फाउंडेशन नहीं होता है दैट यू हैव टू गिव 100% बिकॉज इंसेंटिव उतना नहीं होता है। वहां पर क्या कि अच्छा वी आर गोइंग टू शेयर अ ट्रॉफी, वी आर गोइंग टू शेयर अ ट्रॉफी, और इंडिविजुअल में होता है आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रॉफी होम। समझ रहे हो माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? ग्रुप एक्टिविटी में यू आर गोइंग टू शेयर अ ट्रॉफी और इंडिविजुअल में यू आर गोइंग टू टेक द ट्रॉफी होम। ये क्या मैं सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म पे लगा सकता हूँ ये टेम्पलेट? कैन यू गाइस टेल मी दैट कैन आई यूज दिस टेम्पलेट ऑन सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म? सोशलिज्म क्यों फेल कर रहा है हर जगह से, सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्यों फेल कर रहा है? बिकॉज यहीं पर देख लो ना, इट हैज बीन फाउंड बाय साइकोलॉजिस्ट कि इंडिविजुअल वर्क लेस हार्ड, तो कलेक्टिविज्म, कलेक्टिव फार्मिंग कम्युनिज्म के अंदर होता है ना, कलेक्टिविज्म, कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव प्रॉफिट, ओके, कलेक्टिव प्रॉफिट लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वाई कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर हाइपर कंपेटिटिव एंड हाइपर यू नो व्हाट्स द वर्ड, हाइपर एफिशिएंट, यस, वाई कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर हाइपर एफिशिएंट एंड हाइपर कंपेटिटिव? वहां पर प्रोडक्टिविटी हाई क्यों रहती है? यूएस की प्रोडक्टिविटी क्यूबा से हाई कैसे है? यूएस की प्रोडक्टिविटी बिकॉज यूएस में पीपल आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, तो वो उनको पता है अ फेयर शेयर विल बी टेकन बाय देम टू देयर होम। क्यूबा में लोग उतना मेहनत नहीं करते हैं, व्हाई? बिकॉज दे नो कि फेयर शेयर विल बी टेकन बाय द स्टेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब काम मैं करूं, मलाई मेरा नेबर खाएगा,
क्यूबा में ये मेंटालिटी है तो कोई काम ही नहीं करना चाहता। वहां के डॉक्टर्स टैक्सी चलाते हैं, वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी टैक्सी वालों से 10 गुना कम है। वहां के डॉक्टर्स की सैलरी $18 $20 है महीने की, और टैक्सी एज अ टैक्सी ड्राइवर दे कैन अर्न अप टू $1,000। तो आप बताओ कि वो कलेक्टिव के लिए, ऑल राइट, कलेक्टिव बेनिफिट के लिए डॉक्टर की तरह काम करेंगे या टूरिस्ट, अमेरिकन टूरिस्ट को घुमाएंगे $1,000 के लिए? द आंसर इज कि आज के डेट में क्यूबा में इफ यू आर हेलिंग अ टैक्सी, यू लैंड इन हवाना एंड यू टेक अ टैक्सी, तो देर इज अ वेरी गुड चांस दैट योर ड्राइवर इज एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, बिकॉज वहां के जितने भी इंजीनियर डॉक्टर्स हैं वो काम ही नहीं करना चाहते हैं नेशनल गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज दे नो कि मैं 10 पेशेंट 20 पेशेंट 50 पेशेंट देखूंगा तो मुझे सैलरी वही मिलेगी $18। लेकिन यूएस में क्या है, द डॉक्टर विल नो कि अगर मैं अच्छे से पेशेंट्स देखूंगा तो मेरी सैलरी 500,000 मिलियन डॉलर तक चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो सिस्टम है, तो ये टेम्पलेट एक्चुअली कैन वर्क ऑन सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, दैट इट हैज बीन फाउंड दैट इंडिविजुअल वर्क लेस हार्ड व्हेन परफॉर्मिंग अ टास्क इन अ ग्रुप। और ये आंसर है कलेक्टिव फार्मिंग। सोवियत यूनियन में, आप बताओ मुझे, अब आपको समझ आ रहा है कि कलेक्टिव फार्मिंग, जैसे सोवियत यूनियन में फैमिन इतना क्यों आता था इनिशियली, फैमिन इतना क्यों आता था, बिकॉज कलेक्टिव फार्मिंग में कोई प्रोडक्टिविटी करना ही नहीं चाहता था, नोबडी वॉन्टेड टू पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट इन इन फार्मिंग, ओके। और वहीं पर यूएस में क्यों बम्पर प्रोडक्शन हो रहा था एवरीथिंग, बिकॉज वहां पर इंसेंटिव था, द फार्मर्स न्यू कि मैं लेके जाऊंगा, घर लेके जाऊंगा, जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, ओके। ये चीज है, यू कैन राइट इन इन एसे एज वेल, सोशल लोफिंग रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क, ये होता है, ओके। और ये दिस इज वेरी पॉपुलर इन सोशलिस्टिक सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी, ओके। नेचर ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस की अब हम बात कर ले, सोशल लोफिंग, आई होप एवरीवन को, एवरीवन गॉट इट, नेचर ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस अब हम बात करते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप सोशल इन्फ्लुएंस से अच्छे भी बन सकते हो, ओके। यू कैन स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स, देखिए अगर आप देख रहे हो लोगों को पॉजिटिव रोल मॉडल्स है आपके अराउंड, तो सोशल इन्फ्लुएंस से आप अच्छी चीजें कर सकते हो। यू कैन यू नो मे बी गेट योर लाइफ ऑन ट्रैक, पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। या नेगेटिव, ओके। नेगेटिव में क्या हो जाता है, सम स्टेट्स इन इंडिया आप देख रहे हो, दे आर गोइंग डाउन दी रैबिट होल ऑफ ड्रग्स, ओके। बहुत लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, फेंटनाइल जो है और वो गांजा ये सब यूज कर रहे हैं, चरस, ओके, फेंटानाइल, यस। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस वो हो जाता है कि 10 लोगों को देख रहे हैं कि वो भी फेंटानाइल यूज कर रहे हैं, तो स्टार्ट यूजिंग फेंटानाइल, है ना। और लेकिन 10 लोगों को देख रहे हैं कि दे आर गेटिंग देयर लाइफ ऑन ट्रैक, पढ़ाई कर, हमारा ग्रुप देख लो, हमारा ग्रुप देख लो, ओके। हाँ करेक्ट, तो हमारा ग्रुप देख लो कि वी आर पुशिंग ईच अदर, राइट, हम एक दूसरे को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई करना है, क्रैक करना है एग्जाम, ऑल राइट। लेकिन सपोज आप चले जाओ मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, तो वहां पर बहुत सारे टाइम वेस्ट करने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे, उनसे इन्फ्लुएंस होके आप साइबर कैफे में बैठे हुए हो, ओके। अभी तो चलो अब सबके पास जियो आ गया, बट पहले क्या होता था कि कोटा लोग जाते थे या कहीं जाते थे तो पढ़ाई करने के बजाय साइबर कैफे में जाके इन्फ्लुएंस होके फ्रॉम सम पीपल दे यूज टू गो एंड प्ले काउंटर स्ट्राइक, ओके, एंड दैट यूज टू हैपन अलॉट, ओके। इट कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन्फ्लुएंस कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आपको पता है आप कि ये लोग, इतने लोग ये काम कर रहे हैं, तो लेट मी ऑल्सो डू इट। और रादर ये भी हो सकता है आपके साथ कि आपको नहीं पता, आप स्टार्ट कर दिया आपने कोई टास्क करना या कोई एक्शन करना बाई गेटिंग इन्फ्लुएंस, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो इट कैन बी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इट कैन बी ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन। सोशल इन्फ्लुएंस में शॉर्टर ड्यूरेशन हो सकता है, कोई लीडर है, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने 1930s में से लेके 1945 तक सिर्फ 15 साल तक जर्मनी को इन्फ्लुएंस किया, सो दिस वाज अ शॉर्ट इन्फ्लुएंस। लेकिन भक्ति सेंट्स हैं, उन्होंने अभी तक यू नो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ऑलमोस्ट 1300 1400 ईयर्स हो चुका है सिंस शंकराचार्य, राइट, सो उनका इन्फ्लुएंस अभी तक है, सो दैट इज द लॉन्गर इन्फ्लुएंस, ओके।
अडोल्फ हिटलर क्या था, 15 साल के लिए इन्फ्लुएंस किया उसने जर्मनी को, फिर खत्म हो गया उसका इन्फ्लुएंस। आज के डेट में बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं, तो दैट कैन बी सेट टू बी शॉर्टर ड्यूरेशन, लेकिन भक्ति से इसका इन्फ्लुएंस आज तक है, बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, सो दैट इज अ सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन। मोड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, बाई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ओके, वी कैन डू दैट बाई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। कोई अगर स्ट्रॉन्ग लीडर है जैसे ली क्वान यू, उसने सिंगापुर को पूरा चेंज कर दिया बाई प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। ही इन्फ्लुएंस्ड, ओके नहीं भाई वो कैसे, ही इन्फ्लुएंस्ड द इंटायर सिटी ऑफ सिंगापुर, और वहां पर क्या था, एथनिक फॉल्ट लाइंस थे और वहां पर गैंग वॉर्स चलते थे। 1960s के सिंगापुर में बहुत ज्यादा गैंग वॉर्स चलते थे, बिटवीन मले एंड द चाइनीज और इंडियंस के साथ भी रेशियल इश्यूज होते थे। तो ली क्वान यू ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बनाया, एंड ही गेव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड ही इन्फ्लुएंस दी सिंगापुरियन सोसाइटी। और आज के डेट में क्या हुआ, आज के डेट में सिंगापुर हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड। इट इज द बेस्ट डेस्टिनेशन टू डू योर बिजनेस, ओके, एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। हाँ, मेजी रेस्टोरेशन यू कैन ऑल्सो से कि उसने जापान को अच्छा इन्फ्लुएंस किया। सो डू यू नो ली क्वान यू के कुछ कैंपेन्स थे जिससे उन्होंने सोशल इन्फ्लुएंस किया। एक था हाउसिंग, सिंगापुर में उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए सिंगापुर में, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है ना हमारा, उसी तरीके से उनका था। एंड ही मेड अ लॉट ऑफ बिग बिल्डिंग्स, और उसको सिटीजन्स को अलॉट करना स्टार्ट कर दिया, सिटीजन्स को अलॉट करना स्टार्ट कर दिया। एंड पता है वहां पर उन्होंने क्या किया, हाउ डिड ही सोशली इन्फ्लुएंस द सिंगापुरियन सोसाइटी। सपोज दिस इज द बिल्डिंग, तो यहाँ पर सपोज ये बिल्डिंग है और ये फ्लैट्स है, तो ये वाला जो फ्लैट है यहाँ पर देख लो, ये वाला जो फ्लैट है और ये वाला फ्लैट है और ये वाला फ्लैट है, ये फ्लैट जाएगा चाइनीज को, चाइनीज डिसेंट के लोगों को, ये फ्लैट जाएगा इंडियन डिसेंट के लोग को, और ये फ्लैट जाएगा मले डिसेंट के लोग को। तो दे वेयर फोर्स्ड, पीपल वेयर फोर्स्ड टू लिव अपोजिट ईच अदर, और उनको कहा गया कि अगर तुम इसको बदलोगे, ये जो अरेंजमेंट है, ओके, ये जो अरेंजमेंट है, अगर तुम इसको बदलोगे तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। सो नो बडी डेयर्ड, वहां पर पहले बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ इनिशियली, बट पीपल एडजस्टेड एंड पीपल गॉट इन्फ्लुएंस्ड। एंड जो एथनिक टेंशन था, आज के डेट में सिंगापुर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ डिफरेंट पीपल कैन लिव टुगेदर, ओके, हाउ डिफरेंट पीपल कैन लिव टुगेदर। क्या इंडिया में पॉसिबल है ऐसा, बिल्कुल नहीं। इंडिया में द स्टेट इज गेटिंग यू नो इज टेकन हॉस्टेज, डिफरेंट ग्रुप्स है। सपोज अगर मैं एक ये एक ब्राह्मण को अलॉट कर दूं, दूसरा ठाकुर को अलॉट कर दूं, तीसरा मुस्लिम को अलॉट कर दूं, चौथा क्रिश्चियन को अलॉट कर दूं, पांचवा दलित को अलॉट कर दूं, मैं ये कर दूंगा, तो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, ओके, और वहां पर वो बोलेंगे कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, एंड द गवर्नमेंट देन दे विल से कि अच्छा, जी आपको जैसे मन करे, ओके, आपको जैसे मन करे आप कर लें। लेकिन ली क्वान यू के पास क्या था, एब्सोल्यूट पावर था, और आज तक जो ली क्वान यू का जो पार्टी है वो रूल कर रहा है, 60s से आज तक ली क्वान यू इज रूलिंग दैट पार्टी। सो दैट्स व्हाई यू कैन दैट्स वन एग्जांपल यू कैन कोट दैट हाउ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हेल्प्स। पॉलिटिकल कैंपेन टू इन्फ्लुएंस आर एटीट्यूड, बिल्कुल ये हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में हो सकता है। हिटलर ने अपना जो पॉलिटिकल कैंपेन किया था, तो इट वॉज अगेंस्ट ज्यूज, ज्यूज के अगेंस्ट इन्होंने किया था, ठीक है, तो आपको पता है कैसे इन्होंने किया था, तो वो नेगेटिव वे में है। और पॉलिटिकल कैंपेन अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव भी हुआ है, अगेंस्ट अगर देख लो कास्ट सिस्टम, बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन अगेंस्ट कोलोनियलिज्म, गांधी जी का जो था। सो इससे क्या हुआ, सोशल इन्फ्लुएंस हुआ, तो गांधी जी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। एनलाइटमेंट मिला इंडिया के लोगों को कि कैसे अहिंसा, सत्य अहिंसा यूज करके, ओके, सत्य अहिंसा यूज करके हम यू नो हाउ हाउ वी कैन फाइट द ब्रिटिश। कल्चर, कल्चर से भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, देर इज अ चेंज इन कल्चर, तो पीपल हु आर फॉलोइंग द सोसाइटी विच इज फॉलोइंग दैट कल्चर ऑल्सो चेंजेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाउ कैन कल्चर चेंज, बाई अर्बनाइजेशन।
ओके, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय ग्लोबलाइजेशन, इस वे में चेंज हो सकता है। यस, बहुत सारे है, ये तो तीन मैंने बताया। कल्चर एंड सोसाइटी कैन चेंज, सोशल इन्फ्लुएंस ऐसे हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से प्रेशर आया, इट कैन चेंज। जैसे जापान, इसको प्रेशर कहाँ से आया? यूएस का, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1945 में जो बॉम्ब्स गिरे थे अमेरिका के ऊपर, सॉरी जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा, फैट मैन एंड क्या था, फैट बॉय एंड लिटिल मैन, व्हाट वाज द नेम, इनोला गे से जो गिरा था, राइट, फैट फैट मैन एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द टू बॉम्ब्स, ओके, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, यस। तो 1945 में जो जापान पे बॉम्ब गिराया था, तो यूएस के तरफ से प्रेशर आया आफ्टर दैट 1945 कि जापान को पैसिफिज्म की तरफ जाना है। तो एक सोशल इन्फ्लुएंस हुआ दैट द जापानीज शुड शेड देयर एम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड एंड नाउ दे शुड इम्ब्रेस पैसिफिज्म, दैट इज नो वॉर एटीट्यूड। ओके, तो ये भी एक सोशल इन्फ्लुएंस है विच हैपेंड इन जापान ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा, जापानीज को, जापान को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा, एंड आई थिंक आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है। हाँ, जर्मनी का भी सेम हुआ था, जर्मनी ऑल्सो हैड टू चेंज इट्स कल्चर ऑफ इंपीरियलिज्म एंड एक्सपेंशनिज्म। मीडिया, मीडिया से भी बहुत होता है, मीडिया सिर्फ न्यूज चैनल नहीं है, मीडिया फिल्म्स भी होता है, वहां से भी आपका एटीट्यूड चेंज होता है। ओके, बजरंगी भाईजान जो मूवी आई थी, उससे काफी ज्यादा पाकिस्तान में सिंपथी जनरेट हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान में एक दूसरे के लिए। सो बट वो दैट वाज शॉर्ट टर्म, उसके बाद उन्होंने कलेश कर दिया तो फिर से वापस चला गया। तो इस तरीके से भी हो सकता है, मदर इंडिया से काफी ज्यादा ये आया था, चेंज आया था। ओके, एंड मीडिया में बहुत ये भी हो सकता है, रिपोर्टिंग, निर्भया वाला जो रिपोर्टिंग हुआ था बाय द न्यूज चैनल, उससे काफी सोशल चेंज आया था, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट विमेन्स सेफ्टी एंड विमेन्स राइट। हायरार्की, हायरार्की का मतलब क्या, आपके बॉस, आप तो कहीं ना कहीं हर कोई किसी ना किसी का सबॉर्डिनेट है। यस, हर कोई इन इस कंट्री में किसी ना किसी का सबॉर्डिनेट है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, ऑल राइट, एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट, हर कोई किसी ना किसी का सबॉर्डिनेट है। सो हायरार्की में अगर आप देखो तो आपके बॉस जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, टाइम पे आओ, कल से 9 बजे आओ, कल से 10 बजे आओ, कल से 6 बजे आओ, कल से 5 बजे आओ, एंड यू हैव टू कंप्लाई, द इंटायर कंपनी हैज टू कंप्लाई। ओके, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ओके, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, मेकिंग ऑफ अ गुड सिटीजन, क्या एप्लीकेशन है सोशल इन्फ्लुएंस का, दैट इज मेकिंग ऑफ अ गुड सिटीजन, इन्फोर्सिंग द रूल ऑफ लॉ, इन्फोर्सिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएटिंग अफेक्शन फॉर वन कंट्री, मतलब पैट्रियोटिज्म वगैरह भरने के लिए, पैट्रियोटिज्म भरने के लिए हो सकता है, सोशल इन्फ्लुएंस कर सकता है। यस, टू क्रिएट एन आदर्श नागरिक, वेरी गुड, बेसिकली टू क्रिएट एन आदर्श नागरिक, समवन हु इज फॉलोइंग द लॉ। तो इसमें एक रॉन्ग एग्जाम्पल भी है दैट इट कैन गो अगेंस्ट इट, नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस कैन गो अगेंस्ट इट। अगर आप देखोगे तो गैंगस्टर कल्चर एंड डीजेनरेट सॉन्ग्स, गैंगस्टर कल्चर प्रॉब्लम कहाँ है, पंजाबी म्यूजिक में अगर आप देखोगे, ऑल राइट, इट्स नॉट बेस्ड, ओके, डोंट से इट्स बेस्ड। एंड डीजेनरेट कल्चर कहाँ पर है, बिहार के म्यूजिक, यूपी के, ईस्ट यूपी और बिहार के म्यूजिक में, ठीक है। सो वहां पर क्या है, एवरी वन इज यू नो सिटिंग इन अ फॉर्च्यूनर, एवरी वन इज यू नो मैन हैंडलिंग अ लेडी, ओके, उसको उसका हाथ पकड़ के उसको फॉर्च्यूनर में डाल रहा है, एंड यू नो वो बोल रहा है कि अब हमारा राज चलेगा। और अगर आप वहां देखोगे भोजपुरी म्यूजिक्स में देखोगे तो खूब घटिया तरीके के लिरिक्स, घटिया तरीके का डिस्प्ले, तो उससे क्या हो रहा है, यूथ को गलत आइडिया मिल रहा है। ओके, एवरी सेकेंड गाई थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ गैंगस्टर, तो रोल मॉडल्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस गलत हो रहा है, एंड रादर देन मेकिंग पीपल हु फॉलो रूल ऑफ लॉ, मेकिंग पीपल फॉलो रूल ऑफ लॉ, वी आर रेजिंग यूथ्स हु टेक प्राइड इन ब्रेकिंग द रूल ऑफ लॉ, इन ब्रेकिंग द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पर्सुएशन, एजेंट्स ऑफ पर्सुएशन, पर्सुएशन मैंने बताया था इंडिविजुअल्स के लिए होता है, सोशल इन्फ्लुएंस ऑन अ सोसाइटल लेवल होता है, क्या क्या हो सकता है, पब्लिक, पब्लिक जो कह रही है तो लोगों को मानना पड़ता है, अपना बिहेवियर मॉडिफाई करना पड़ता है पब्लिक के कहने पे,
यस, देन गवर्नमेंट के कहने पे स्वच्छ भारत मिशन इज एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के कहने पे आपने ओपन डिफिकेशन करना बंद कर दिया। प्राइवेट सेक्टर फॉर फंडिंग, ये भी होता है दोस्त, बहुत होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं ट्विटर का। सो आई गॉट अप्रोच्ड, ऑल राइट, थोड़ा सा रीच है, तो आई गॉट अप्रोच बाय सम पीपल कि भाई आप हमारे, यू नो, यू विल, कैन यू ज्वाइन आवर पॉलिटिकल एजेंसी, और आपको ट्वीट्स करने, एंड यू विल बी गेटिंग पेड पर मंथ, ऐसे या पैसे हो सकता है, बट यू हैव टू डू दिस। तो उसमें क्या, अगर इंसेंटिव डाल दिया उन्होंने, इंसेंटिव डाल दिया कि भाई ट्विटर है, तो आई कैन, ओके, आई कैन गेट परसुएडेड टू मॉडिफाई माई बिहेवियर, मॉडिफाई माई बिहेवियर। ऑब्वियसली आई डिड नॉट टेक अपॉन द ऑफर, ऑल राइट, इट वॉज नॉट टेम्पटिंग एज वेल, बहुत, ऑल राइट, 40,000 रुपीज दे वर ऑफरिंग, 40,000 रुपीज, एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ, आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप, मतलब बेसिकली वो जो नहीं होता अपना प्रशांत किशोर टाइप का, हाँ, पर मंथ, एंड दैट वॉज बैक इन लेट 2022, ऑल राइट, लेट 2022, ओके, बिकॉज वो होता है। तो यहाँ पर ऐसे भी होता है कि सपोज आपको फंडिंग चाहिए जापानीज कंपनी से, फंडिंग चाहिए जापानीज कंपनी से, तो आप जापानीज एथोस फॉलो करने लगते हो, आप जाओगे तो टाइम पे जाओगे, आप अपना क्या करोगे, ऐसे आप उठते हो 9 बजे 10 बजे, लेकिन मान लो जापानीज बंदे से मिलना है आपको 10 बजे, तो आप 7 बजे उठ के बैठे हुए हो, बिकॉज जापानीज लाइक पीपल हु आर ऑन टाइम। यस, द जर्मन लाइक, ओके, द जर्मन्स लाइक पीपल हु आर ऑन टाइम, यस। तो प्राइवेट सेक्टर फॉर फंडिंग, प्राइवेट सेक्टर, फंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को चेंज कर देता है, ओके, जो बोलते हैं ना 2 रुपए ट्वीट के मिल गए, वो सोशल मीडिया जो होते हैं ना, कि कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई बीजेपी का सपोर्टर है, तो एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में जाके क्या लिखते हैं, 2 रुपए ट्वीट के मिल गए, तो क्या है, वही है ना, फंडिंग के वजह से आप अपना ओपिनियन चेंज कर रहे हो, ओके। सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज, ओके, आप चेंज कर सकते हो, सुपीरियर ऑफिसर, एम्प्लॉयज को क्या पसंद है उसके बेसिस पे जो बॉस है वो थोड़ा अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर सकता है, ऑल राइट, हाँ, फैमिलीज भी हो सकता है, एजेंट ऑफ पर्सुएशन कैन बी फैमिलीज एज वेल, गुड गुड पॉइंट, ओके। सुपीरियर ऑफिसर आपका जो बोलेगा आप वैसा कर रहे हो, ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर को कुछ चीजें पसंद है, आप अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हो टू गेट इन हिज गुड बुक्स। अब लास्ट जो है हमारा, एरिस्टोटल का एक कोट है, उससे हम एंड करते हैं। तो ही सेज, मियरली रिसाइडिंग इन अ कंट्री एंजॉइंग अ लीगल राइट डज नॉट मेक अ पर्सन अ गुड सिटीजन, सिर्फ एक कंट्री में रिसाइड कर रहे हो और लीगल राइट्स एंजॉय कर रहे हो, दैट डज नॉट मेक यू अ गुड पर्सन, ओके, बट अ गुड सिटीजन इज वन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन सोशल कॉज एंड इज एबल टू पार्टेक इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा सिटीजन अच्छा होता है जो सोशल कॉजेज में पार्टिसिपेट करता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो साइलेंस अगर आपका है, अगर सपोज आप वोट नहीं दे रहे हो, आप इश्यूज रेज नहीं कर रहे हो, एंड यू आर साइलेंट ऑन सर्टेन क्रूशियल मैटर्स, उस वो साइलेंट क्या है, दैट इज एक्चुअली प्रोमोटिंग द एंटी सोशल एलिमेंट, दैट इज सपोर्टिंग, दैट इज साइलेंस इज सपोर्ट, साइलेंस इज सपोर्ट फॉर द एंटी सोशल एलिमेंट्स, ओके। एक कोट था दैट फॉर वायलेंट पीपल, ओके, फॉर इविल पीपल, इविल एंड वायलेंट पीपल टू बी केप्ट इन चेक, फॉर इविल एंड वायलेंट पीपल टू बी केप्ट इन चेक, गुड पीपल हैव टू बी मोर वायलेंट देन देम, मतलब गुड पीपल हैव टू लर्न मोर वायलेंस इन ऑर्डर टू कीप द एंटी सोशल एंड द इविल एलिमेंट्स इन सोसाइटी, ओके। सो ये चीज है, दैट्स अ जापानीज जापानीज समुराई कोड, ओके, यस, इफ यू डोंट कॉल अ फ्रॉड यू आर अ फ्रॉड, करेक्ट, ओके, करेक्ट, नाला साफ